जी, बहन जी के बारे में, आप बहन जी के बहुत नज़दीकी भी माने जाते हैं और बहन जी के दिशा निर्देश पे आपने कुछ पल में भी नहीं लगाया। जब बहन जी का आदेश हुआ कि आपको यूपी से नहीं, आपको दिल्ली से लड़ना है, तो आपने एक मिनट भी नहीं लगाया। बहन जी के बारे में मैं कुछ दो एक बातें जरूर करना चाहूँगा। बहन जी के आप नज़दीकी, तो उनके बारे में बहुत सारे लोग, पूरी देश की जनता जानना चाहती है। हम आपको पहले बता दें कि आप इस वक्त लाइव हैं हमारे साथ राजवीर जी, जो बहुजन समाज की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। बहन कुमारी मायावती की जी, जो बसपा सुप्रीमो हैं, उनके दिशा निर्देश अनुसार, और दिल्ली से साहब टिकट से लड़ रहे हैं उत्तर पूर्वी लोकसभा से। आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका सवाल वो पहुंचाया जाए। बहन जी के बारे में बोला जाता है, मैं अपना क्वेश्चन दोबारा से पूछ रहा हूँ कि बहन जी के बारे में बोला जाता है कि बहन जी जो है वो अपने स्पीचेज होती हैं वो पढ़कर बोलती हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, छात्र पढ़ के बोलने की बात है, ये बात बिल्कुल सच, और सब लोग देखते हैं कि बहन जी पढ़ के बोलते हैं। बहन जी का मानना है कि हम जब भी कोई स्पीच देते हैं वो लाइव होता है, पूरा देश और दुनिया उसको देख रही होती है, उसमें कोई भी ऐसा शब्द या गलती या त्रुटि ना हो जाए कि वो देश के खिलाफ चली जाए बात, समाज के खिलाफ चली जाए, किसी को उसको पढ़ के सुन के और कोई आदमी उसमें गलत भावना नहीं डाल ले। जितने भी पढ़े लिखे दुनिया में लोग हैं वो सब लोग पढ़ के ही बोलते हैं। अब जिसको पढ़ना ही नहीं आता, ठीक है, वो क्या पढ़ के बोले, वो बिना पढ़े बोले मोस्टली। जी, अच्छा, बहुजन समाज के अंदर एक बात होती है कि लोग बोलते हैं कि बहन कुमारी मायावती ने मूर्तियां लगवाई, जिसके वजह से 2014 के अंदर उत्तर प्रदेश से बहन जी को अपनी सत्ता भी खोनी पड़ गई थी, जो बहुत विषय बड़ा मुद्दा रहा था, उसके बारे में क्या आप बोलेंगे? देखिए, जहाँ तक सत्ता की बात है, सत्ता कोई नहीं थी, सत्ता में पूरी जो बेस पोर्ट है बसपा का, वो बसपा के साथ ही था। कुछ जगह ऐसी गलती हुई कि बसपा दो नंबर पे आई, वो भी बहुत ज़्यादा मतों के अंतराल से नहीं आई थी, बहुत कम वोटों से बहुजन समाज पार्टी की सीटें जो है वो मतलब जीत से वंचित रह गई थी जी। वोट परसेंटेज और उसमें फ़र्क नहीं आया। जहाँ तक मूर्ति की बात है, जब पूरे देश में या पूरी दुनिया में जितने भी हमारे देवी देवता हैं या किसी के महापुरुष हैं या किसी के गुरु हैं या कोई संत हैं, जब सबकी मूर्तियां लग सकती हैं, तो क्या बहुजन समाज में जन्मे संतों की मूर्तियां लगाना गलत है? उस समाज के लोगों को जगाना, उन लोगों को उसके प्रति जो है जागृत करना कि ये हमारे समाज सुधारक हुए हैं, ये लोग हुए हैं, उनको बताना। और जहाँ तक बहन जी की मूर्ति की बात है, बहन जी की मूर्ति लगाने में पूरे समाज का हाथ है, पूरे समाज ने कहा, समाज ने रिक्वेस्ट करी कि बहन जी आप प्लीज़ अपनी भी मूर्ति लगाएं, क्योंकि आपने जो करा है समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, सब लोगों के लिए, तो हम लोग चाहते हैं कि आपको भी देखना चाहते हैं। और जो भी जितने भी ये हुए हैं वो सारे अब जो है सरकार के अधीन है, सरकार उनमें, सरकार को कमाई होती है, स्वच्छता रहती है, अच्छा लगता है, लोग ब्याह शादी तक वहाँ करने आते हैं, फिल्मों की शूटिंग तक वहाँ होती है। और जो जहाँ पे पूरा जंगल था, जहाँ पे लूट खसोट होती थी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे वो पार्क बनने से सुंदरता आई है, स्वच्छता आई है, लोगों की भावनाओं में बदलाव आया है, लोगों को एक ब्रांड मिला है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम इस देश का हिस्सा हैं। जो कि अभी आपने भी पहली वर्ड में कहा था कि संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम गैर बराबरी को ख़त्म करके और सबको बराबर का अधिकार मिले, तो उन लोगों को भी ये अधिकार है कि उस समाज में जन्मे, बहुजन समाज में जन्मे, जितने भी महापुरुष हैं उनके बारे में वो जाने, देश और दुनिया भी जाने। महापुरुष और संत जो होते हैं वो किसी एक समाज के थोड़ी ना होते हैं, एक समाज के नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारी सरकारें हैं, जो भी कांग्रेस आई, बीच में बीजेपी भी दो बार रह चुकी है, इन लोगों ने कभी भी ये नहीं चाहा कि बहुजन समाज के जो संत हैं, ठीक है, उनकी परिभाषा, ठीक है, वो लोग पढ़ सकें, उनको देख सकें, सुन सकें, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उन लोगों को लोगों ने देखा तो लोग जागृत हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे तो इनकी जो जाति और धर्म में बांटने वाली राजनीति वो खत्म हो जाएगी। राजवीर जी, आप जो अब दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे विशेष आपके, जिन पे आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, हमारा जो विशेष मुद्दा है वो लोकसभा का यही है कि उस लोकसभा में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि आप खुद भी उस लोकसभा में जाके देखिए, वो ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान का कोई एक ऐसा, भारत का एक ऐसा गांव है सुदूर में, ठीक है, जिसमें बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है। जैसे पहले गाँव में होता था, लोग खड्डों में बीच में से चलते थे, जिसको पगडंडी बोलते थे, मैं भी गाँव में रहा हूँ, देखा हूँ, ठीक है, नाले पानी के बह रहे हो, बारिश के दिनों में बारिश आ रही है, लोग उसको पार करके जा रहे हैं, वो स्थिति उत्तर पूर्वी लोकसभा की या पूरी जमुना पार की इन्होंने कर रखी है। वहाँ पे सड़कों में 6-6 फीट, 3-3 फीट गड्ढे हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। इतने सारे मुद्दे हैं कि जो भी ये लोग अगली बार जाएंगे अपनी जमानत वहाँ पे जब्त करवा के आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।